नमस्कार दोस्तों, अभी हम पटना में हैं और ये शिक्षकों के समर्थन में प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी शिक्षकों के साथ उतरे हैं और जानते हैं कि इनका क्या राय है। सर, क्या कहना चाहते हैं आप, किस मकसद से आप आए हैं? हम सब लोग नीतीश से तेजस्वी की सरकार ने नीति घोषणा किया था कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे जी। और 10 लाख नीतीश कुमार जी ने तो 20 लाख की घोषणा कर दिया जी। देंगे तो हम में भारतीय जनता पार्टी का सवाल पूछ रही है कि 10 लाख तुम्हारा रोजगार कहाँ है। दूसरी बात कि बिहार के शिक्षकों का जो मामला है, जिसने आपने कानून बना के, जो अवैध कानून बना के जो शिक्षक बहाल हैं उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करना, यह जो मांग है, राज्य के अंदर जो भ्रष्टाचार है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर यहाँ खत्म है, इसलिए इसके खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी आज शंखनाद कर रही है, जन आंदोलन का आह्वान कर रही है और यह तब तक चलेगा जब तक नीतीश तेजस्वी की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक दिया जाएगा, तब तक यह जारी रहेगा। और शिक्षकों के बारे में यहाँ पे क्या कहना है? शिक्षकों को नियमित होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और आप कहते हैं इतने पुराने शिक्षक हो गए, जो मान लिया कि बहाली आपने किया, आज कहते हैं कि बीपीएससी कम्पीट करो, या क्या ड्रामा है? आप नहीं बहाली कीजिए बीपीएससी से, लेकिन जो लोग शिक्षक हैं उनको तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए। शिक्षा मंत्री पर क्या बोलना चाहते हैं? बोले कि बिहार में योग्यता नहीं है, टीचर बनने लायक कम है। शिक्षा मंत्री को समझ नहीं आ रहा है कि बिहार ज्ञान की भूमि रही है, दुनिया को ज्ञान देने का काम बिहार की भूमि करती रही है। शिक्षा मंत्री जी से तो बहुत बिहार में आहट पहुंचा है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार को अपमान कर दिया गया। ऐसे शिक्षा मंत्री को तो नीतीश कुमार से हम लोग डिमांड, उनको तो हटा देना चाहिए, एक मिनट रहने का कोई नैतिक आधार अधिकार नहीं है। अभी देखे इनका शिक्षकों के समर्थन में उतरे हैं और ये बहुत खफा है। और अभी हम जानते हैं कि सर, कुछ दिन पहले एक मुद्दा उठा, 2014 में बीएसएससी के सब कुछ हो चुका है लेकिन अभी तक उसका नियुक्ति नहीं हुआ है। सर, क्या कहना चाहते हैं? एकदम बिल्कुल यथाशीघ्र करना चाहिए। बिहार के नौजवान जो है पढ़ लिखे बेरोजगार बैठे हुए हैं, आप नौटंकी कर रहे हैं, आपको तो बहाली करने की है नहीं, ये तो कोई नहीं आवाज उठा रहा है सर, ना कोई बोल रहा है। नहीं बिल्कुल, हम लोग सब लोग उसी सब डिमांड के लिए तो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उसके आप साथ हैं सर? जी बिल्कुल बिल्कुल साथ है। 2004 के जो कुछ बिहार पुलिस के हैं उसको भी मतलब कि अभी नियुक्त नहीं किया गया, उनका भी मतलब कि सीट समझिए कि छीन लिया गया है, वो भीख मांग रहे हैं न्याय के लिए लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। नहीं ठीक है, जो भी मामला है, किसी अच्छी सरकार का यह काम है कि जो भी मामला उसका निष्पादन, त्वरित निष्पादन करना चाहिए, लेकिन यह सरकार जो है नीतीश तेजस्वी की सरकार जो है निकम्मी हो गई है या किसी सूरत में, इसलिए हम लोग ने आह्वान किया है, जनता से यह किया है कि साहब चलिए मेरे आंदोलन में साथ दीजिए, इसको उखाड़ कर फेंकना है और 24 में इस बिहार से 40 सीट एनडीए के खाते में, नरेंद्र भाई मोदी के खाते में देना है और 25 में बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। अभी आप सुने और हम और आगे दिखाते हैं वीडियो में, और अपना राय अपना कमेंट में दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।